मुरादाबाद में चौंकाने वाला मामला आया सामने। स्कूल के बच्चों के अभिभावक ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आज सुबह CUET परीक्षा देने आए छात्रों के हाथ से कलावा उतरवाने को लेकर नाराजगी जताई गई। दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल के मैनेजर मंसूर सिद्दीकी ने बताया कि CUET परीक्षा के प्रवेश पत्र पर नहीं है हाथ में कलावा बांधने का नियम। मुरादाबाद के दिल्ली पब्लिक ग्लोबल परीक्षा केंद्र का मामला, बच्चों के अभिभावक द्वारा कई अधिकारियों को दी गई सूचना, लेकिन कोई नहीं की गई कार्यवाही। पिछले 2-3 दिन पहले भी प्रकाश में आया था। ऐसा ही मामला जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने लिया संज्ञान में। कार्यवाही का दिया था भरोसा, लेकिन अभी तक नहीं हुई कोई कार्यवाही। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा था कि मामले की जांच की जा रही है। क्या मामला हुआ है, कौन सी परीक्षा? ये दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल में सेंटर बच्चों का, लगभग 450 के आसपास बच्चे हैं। सुबह बच्चे ठीक ठाक प्रवेश कर रहे थे, तभी एक यहाँ के स्टाफ के हैं, उन्होंने आगे धक्का दिया। नाम है उनका शायद नासिर है या कुछ। हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इनको अंदर रखिए, ये पब्लिक है, पब्लिक का हाथ नहीं रुकता है, इनका व्यवहार बहुत गलत है। उन्होंने आते बोले कल कलावा खुलवाओ, ये करो और ये ऐसे हटो, ये है ना, देखो बच्चों की खुल इसमें बता कोई डिवाइस जा सकती है क्या? नहीं, कलावा में कोई डिवाइस जा सकती है, मोबाइल जा सकता है कुछ। उनका व्यवहार बहुत गलत था। उसके बाद जो प्रेक्षक थे अंदर से ऑब्जर्वर आए, हमने उनसे शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो पाई खास। हम क्या चाहते हैं, बच्चों को, बच्चा अगर अंदर जाएगा तो उसके अंदर भावना ऐसी क्यों कर रहे हैं कि फीलिंग बच्चे में ऐसी ना आएगा, वो अपराधी है। मतलब कोई बम तो नहीं ले जाना ना बच्चा, मतलब बच्चे के साथ ये व्यवहार हो रहा था जैसे उसे ये महसूस हो गया मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है ना, खुले दिमाग से जाना चाहिए। उसमें कुछ कोई नियम नहीं है, प्रेक्षक महोदय भी नहीं बता पाए, बोले यार कड़ा भी हम चलो टेप लगवा देंगे, वो बाद में आए थे। बच्चे लेट हो गए, कुंडल भी निकलवाए गए, अब इस चक्कर में बच्चा परेशान हो रहा है। हमारी बेटी के साथ हुआ है। हाँ, बहुत है ऐसे। कितने लोग? जी क्या नाम है बेटा? किस चीज का पेपर था? अच्छा, कौन सा कॉलेज है ये जिसमें पेपर? अच्छा, बात करें कलावे की, तो कलावे का क्या मामला है? कलावे सभी के लिए खुला, सब बच्चों के कलावे खुलवाए, सब कुछ बाहर का। तो कुछ भी अंदर क्या मानते हैं, किस किस लिए ये ऐसा किया गया है? ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस, एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बचपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।